ब्रांड बाजार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबानी और मैं हूं नवी मुंबई के सी वुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल में, जहां ये मॉल ऑगमेंटेड रियलिटी के मदद से आपको आर्कटिक एक्सपीरियंस दे रहा है। नाउ ऑगमेंटेड रियलिटी हैज़ बिकम द हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशंस और कई मार्केटर्स ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से अपने ब्रांड का नया एक्सपीरियंस अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। तो किस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए ब्रांड्स इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ और किस तरह से मदद होती है ब्रांड्स को ऑगमेंटेड रियलिटी से, जानते हैं नेक्सस मॉल के CMO निशांग जोशी से। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, हम देख रहे हैं अलग अलग क्रीचर्स यू नो आर्कटिक ओशन से बाहर निकलकर हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिला है जब से आपने ये सेटअप किया है अपने मॉल? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। इनफैक्ट सैटरडेज और संडेज को ये फुल रहता है, यहाँ पे लाइन लगी रहती है। इनफैक्ट हम ये एक महीने के लिए लाए थे, अब इसको हमने एक्सटेंड करके 2 महीने के लिए कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड। लोग की लाइनें लगी रहती हैं, लोग सेल्फीज़ खींचते हैं। मेरे हिसाब से दिन में अराउंड 3 से 4 हज़ार लोग खाली अपने प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट कर रहे हैं फेसबुक पे इस बैकग्राउंड के साथ, तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। यू नो आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि मॉल और ई कॉमर्स में जो यू नो फ़र्क है, उसमें से सबसे बड़ा एक पार्ट है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, केवल शॉपिंग के लिए नहीं आते। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ आप जनरली करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मॉल की ओर? तो से 12 महीनों में हमारे ऑलमोस्ट 300 दिन एक्टिविटी से भरे होते हैं हमारे मॉल्स में। समर में समर इवेंट होता है, विंटर में विंटर इवेंट होता है। इनफैक्ट समर में अभी हम जो कर रहे हैं वो है विंडोज़ टू द वर्ल्ड, जहाँ पे हमने पूरे 4 कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज़, अभी यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग चल रही है, फुटबॉल मैच चल रहा है, एक पूरा फुटबॉल टूर्नामेंट मॉल के अंदर काफ़ी आई डोंट थिंक कहीं पे हुआ है। हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट किया जहाँ पे जब हमारा थीम एशिया और यूरोप था, जहाँ पे सोसाइटीज़ यहाँ के ऑलमोस्ट 100 सोसाइटीज़ ने यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्ट लिया विद इन द मॉल। देयर इज अ होल स्टेडियम व्हिच हैज बीन बिल्ट ओवर देयर, क्रिकेट ग्राउंड दैट हैज बीन बिल्ट ओवर देयर। तो हम अलग अलग इनोवेशन करते रहते हैं, ऑलमोस्ट 300 डेज ऑफ एक्टिविटीज़ है एंड दिस गेट्स द पीपल कमिंग हियर। आई थिंक दिस इज़ द मेन डिफरेंस ई कॉमर्स में और हमारे में, कि हम जो कर सकते हैं, जो एक मॉल कर सकता है, जो एक टच एंड फील है, एक एक्सपीरियंस है, ये ई कॉमर्स अभी तक तो नहीं कर सकते। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है खास आज के एपिसोड में। कैसे नए जमाने के साथ सारेगामा बदल रहा है अपना अंदाज और डेयरी मार्केट की चुनौतियों का कैसे कर रहा है पेप्सी को मुकाबला। सारेगामा म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। 100 साल पुराने इस ब्रांड ने हमें कई गाने अपने कैसेट्स और सीडीज के जरिए सुनाए हैं, लेकिन अभी म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बदली है और काफ़ी चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में। तो म्यूजिक ऐप्स के ज़माने में किस तरह से अपने आप को ढाल रहा है सारेगामा, देखते हैं ये रिपोर्ट। समा है सुहाना, नशे में जहां है, सारेगामा देश की सबसे पुरानी म्यूजिकल प्रोडक्शन कंपनी है, जिसकी नींव 1901 में लंदन में इलेक्ट्रिकल और म्यूजिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में रखी गई थी। 13 अगस्त 1946 को इसका नाम द ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड रखा गया। जिसे HMV के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1985 में RPG ने इस कंपनी को EMI लंदन से खरीद लिया और इस कंपनी का नाम बदलकर सारेगामा इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। अपने इस संगीतमय सफर को जारी रखते हुए ब्रांड सारेगामा फिल्मों में गानों के अलावा गीत संगीत के कार्यक्रमों से भी काफी लोकप्रिय हुआ। शायद तेरी से जन्म
ब्रांड ने लगातार खुद को नए जमाने के तरीकों के साथ बदला है, जैसे ग्रामोफोन से कैसेट, कैसेट से सीडी और सीडी से पेन ड्राइव, और अब सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने अपने चाहने वालों के लिए रेडियो कारमा लॉन्च किया है। आज से करीबन 18 महीने पहले हम लोग एक स्टडी कर रहे थे ऑल अक्रॉस द कंट्री, लोग जानने के लिए कि लोग म्यूजिक कंज्यूम कैसे करते हैं। तो कई लोगों का ये कहना था कि भाई आप तो पुराने एचएमवी हैं, सारेगामा तो एचएमवी हुआ करता था पहले, आपके पास किशोर कुमार, लता दीदी, आशा दाई सबके गाने पड़े हुए हैं, मिलते ही नहीं हैं। तो हमने कहा भाई अगर मिलते नहीं हैं तो डिजिटल पर तो सब कुछ है। पर लोगों का कहना था, और 30 साल की उम्र के लोगों की बात करो आप जो उससे ऊपर के होते हैं, कि भाई डिजिटल पे गाने ढूंढना मुश्किल काम है, पैसा लगता है, ये है वो है, हमको तो पहले सीडी और कैसेट बड़े अच्छे हुआ करते थे। ये सोच कर रखते हुए हम लोगों ने कहा एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसमें 5000 गाने पहले से डाल दिए जाएं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। मेमोरीज एंड म्यूजिक स्टे फॉरएवर टैगलाइन के साथ कारवा 5000 गानों की एक शानदार कलेक्शन है। कारवा में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी जैसे लेजेंड्स की आवाज में रोमांटिक, गजल, सूफी, क्लासिकल जैसे कई सारे गाने हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी आपका रेडियो दोस्त अमीन सयानी हाजिर है। इसके अलावा रेडियो की जानी पहचानी आवाज अमीन सयानी के 50 सालों के गीतमाला के एपिसोड भी इसमें आप सुन सकते हैं। आज की तारीख में पहले जब सीडीज वगैरह हुआ करते थे बड़ा आसान होता था अपनी मर्जी के गाने सुनना, इसमें ये बेनिफिट है कि आपको जो भी गाने आपके सारे फेवरेट गाने एक तो एक जगह पर हैं। दूसरी चीज़ बड़ी देखी जा रही है कि भाई मैं कोई 35-40 साल के हैं जिनको किशोर और आरडी और लता जी का शौक है वो तो सुनेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नए गाने हम कहाँ से सुने। तो हमने इसमें ये प्रोविजन भी डाला हुआ है कि आपके पास अगर आपके अपने गाने फ़ोन पर हैं तो ब्लूटूथ के थ्रू इस पर डाल दीजिए। ये आप देखिए यहाँ पर तो ब्लूटूथ के ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे ही अगर आपके गाने पेन ड्राइव पर हैं आप पेन ड्राइव यहाँ पीछे डाल दीजिए तो आपके अपने गाने भी बजते रहेंगे। एक और अचंभे की बात यह है कि एफएम रेडियो देश में खूब फैल रहा है, राइट, छोटे छोटे शहरों में पहुंच रहा है, पर एफएम रेडियो सुनने के लिए घरों में ट्रांजिस्टर नहीं बचे। लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो एफएम सुनते हैं। हमने इसलिए इसमें एफएम रेडियो भी डाल दिया है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। सारेगामा के इस कारवां ने स्पीकर मार्केट में सुगबुगाहट बढ़ा दी है। स्मार्टफोन्स और म्यूजिकल एप्स के इस दौर में स्पीकर का रूप बदल गया है। अब वायरलेस साउंड बार, स्पीकर्स, हेडफोन्स, हेडसेट और पोर्टेबल स्पीकर्स की मांग बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे, मैं 20 साल के पहले आपको ले जाता हूँ, तो सुबह आप उठते थे तो घर में रेडियो चलता था और सब लोग एंजॉय करते थे, वही एक स्टेशन चलता था और सबको वही स्टेशन अच्छा लगता था। लेकिन आज आप घर में आप कोई म्यूजिक आप लगाओगे तो किसी का कोई पर्सनल टेस्ट है, किसी को पुराने गाने पसंद है, किसी को इंग्लिश गाने पसंद है, किसी को हिंदी लेटेस्ट रॉक पसंद है, तो हर एक घर में अगर आप देखोगे सबका अलग अलग टेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, अब म्यूज़िक पर्सनल होता जा रहा है। तो अब घर में कॉमन म्यूज़िक नहीं बजता है, हर एक अपने कमरे में अपना म्यूज़िक बजाता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो अब शायद ये मार्केट और बढ़ेगा। बीच में इसकी तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया था, और कितना भी आप कहें हम इंडियंस जो हैं वो म्यूज़िक को प्राय बहुत अच्छा पसंद करते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। कारवा की खासियत है कि ये पुराने ऑल टाइम हिट्स के साथ साथ आपको नए गाने सुनने का भी मौका देता है। ये बतौर एक गिफ्ट भी बेहतरीन है। ब्रांड ने इसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है और ब्रांड का मानना है कि लोग इसे पसंद करेंगे और एक दूसरे के साथ इसके बारे में बात भी करेंगे, जिससे इसकी मांग बढ़ जाएगी। इसके दाम भी बाजार में मौजूद बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। पुराने गानों से अपने बैंक की यूएसपी बनाते हुए सारेगामा इस प्रोडक्ट से ब्रांड को और मजबूत कर रहा है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे बदलते मार्केट के साथ टाइटन मैच कर रहा है अपनी टाइमिंग।
वेलकम बैक ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश के कई लोगों की सबसे पहली घड़ी टाइटन ही रही होगी, पर अब जैसे जैसे देश में दूसरे विदेशी ब्रांड्स कदम रख रहे हैं, टाइटन के सामने चुनौतियां बढ़ रही है। ऐसे में टाइटन कैसे बढ़ाएगा देश में अपना बाजार और वर्ल्ड ऑफ टाइटन इन दुकानों का देश में प्रेजेंस, इस पर मैंने बात की एस रविकांत, सीईओ वॉचेस एंड एक्सेसरीज टाइटन कंपनी से, उन्हीं के 25 साल पुरानी एक स्टोर में। वेलकम टू द शो। हम 25 साल पुराने एक रिनोवेटेड स्टोर में है वर्ल्ड ऑफ टाइटन के। 25 साल हो गए इस स्टोर को। 25 सालों में कई सारी चीज़ें हैं जो यू नो वॉचेस को लेकर या फिर वॉच स्टोर्स को लेकर बदली है, तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट चेंज आपको क्या लगा? शिवानी, दैट्स यू नो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 25 साल पहले घड़ियाँ जो थीं, वॉचेस को जैसे हम कहते हैं, दे यूज़ टू बी अ टाइम कीपिंग डिवाइस। खाली टाइम और देखने के लिए लोग घड़ियाँ पहनते थे। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होके फ्रॉम मैकेनिकल वॉचेस टू क्वार्ट्ज वॉचेस, देन दिस पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट एन एक्सेसरी। सो यू पीपल स्टार्टेड बाइंग मोर देन वन वॉच। पहले लोगों के पास खाली एक घड़ी हुआ करती थी टाइम देखने के लिए, उसके बाद यू नो पीपल स्टार्टेड मैचिंग इट विद देयर ड्रेस, हैविंग मल्टीपल वॉचेस, वेयरिंग वन टू वर्क, वन इन द इवनिंग्स एंड वन पार्टिंग ओवर द वीकेंड। अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड इफ यू सी स्मार्ट वॉचेस आर गेटिंग लॉन्च, सो कंज्यूमर्स आर गोइंग बैक टू, इन एडिशन टू द वॉच बींग अ गुड लुकिंग वॉच, दे वॉन्ट टू नो वॉट एल्स कैन द वॉच डू फॉर मी। तो स्मार्ट वॉचेस इज द लेटेस्ट बज, आई वुड से। In fact, to the extent that if you see youth and a lot of people like you who have stopped wearing watches also. Correct. And they have started wearing fitness bands. Correct. Which also serves as a watch. Watch, correct. So, with the fitness being, you know, a new trend and a very relevant trend, that is what is happening with the watch category. So consumers, they want to know that watches ke saath aur kya kar sakte hain, apart from good looking watch. Correct. Isiliye aapne smart watch launch kiye the. फिटनेस बैंड भी फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स के साथ आपने लॉन्च किया था। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यू नो स्मार्ट वॉचेस के लिए और फिटनेस बैंड्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कई सारे फिटनेस बैंड्स हैं, मिसफिट है, फिटबिट है, गामिन है, टॉमटॉम है, कई सारे फिटनेस बैंड्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। और ऑन द अदर हैंड स्मार्ट वॉचेस भी कई सारे हैं, लाइक देयर इज एप्पल वॉच सीरीज 2, देयर इज सैमसंग गियर S3 which is recently launched. तो इस तरह के यू नो ऑप्शंस होने के बावजूद आपकी घड़ियों के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स है? आई डोंट नो वेदर यू नो शिवानी, टाइटन इज द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉचेज इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ द पावर ऑफ आवर ब्रांड्स इज सो स्ट्रांग दैट वॉट एवर अदर नेम्स एंड प्लेयर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, द मोमेंट वी लॉन्च आर स्मार्ट वॉचेज, बिकॉज कस्टमर को मालूम है कि टाइटन अगर कोई लॉन्च कर रहा है, इट इज वन हाई क्वालिटी वॉच, आई विल गेट द फुल सर्विस वारंटी एंड इट विल बी वेरी वेल प्राइस्ड, सो इट्स ए डेडली डील इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तो हमने जब स्मार्ट वॉचेज लॉन्च की, हमने लास्ट ईयर 3 स्मार्ट वॉचेज लॉन्च की, जक्स लॉन्च की, जक्स प्रो लॉन्च की, एट वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस, दे आर ऑल सोल्ड आउट। अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया था फास्टैग ब्रांड में द फाइटन फास्टैग रिफ्लेक्स बैंड, विच इज अ फिटनेस बैंड। It comes to our store and just vanishes. It's completely selling out. Purely because it is priced so attractively at $19.95. Absolutely. तो customer को value Titan brand में बहुत ज़्यादा है। Plus हमारा जो आप इस store में जो हम खड़े हैं, this of course is an iconic store, 25 year old and we've just renovated it. But like this we have 472 World of Titan stores in the country. तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, कस्टमर को जब भी सर्विस चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए यू नो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम। और आगे चलकर क्या बिग प्लान्स है टाइटन के लिए जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे? बहुत बहुत प्लान्स हैं हमारे। एक तो मैंने बताया आपको कि हम 10 नई स्मार्ट घड़ियाँ लॉन्च करेंगे। हमने आज एक प्रोडक्ट कलेक्शन लॉन्च किया है कॉल्ड स्क्वाड्रन, विच इज डिजाइंड फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम फाइटर जेट्स। In fact, I am wearing that watch, one of them. And so this is inspired from, in fact, the control stick in a fighter jet.
There is one of them which is inspired from the cockpit of a fighter jet, one which is inspired from the design of the engine, the thrust engine of a fighter jet. The material which is used is surgical steel, grade. So it's very, very unique. Abhi, the other thing that we have just launched is Edge Ceramic. Edge jo hamari slimmest watch hai. Now, can you imagine making the slimmest watch in ceramic, which is not just the bracelet, but even the case is in ceramic. So that is our latest collection. And then we have a whole lot of many new products lined up. All the best for the future. Thank you so much. Thanks for speaking to us. Thank you so much. Thanks. Brand Bazaar mein bhi waqt hai ek chote se break ka. Break ke baad dekhenge kis tarah se dairy market ki chunautiyon ka mukabla karne ke liye tayar hai PepsiCo India apne Quaker Oats milk ke saath. ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश का डेयरी मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहां एक तरफ कई लोकल ब्रांड्स देश के अलग-अलग राज्यों में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेप्सिको जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स देश के डेयरी मार्केट को नए लॉन्चेस और नए वेरियंट्स के साथ और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। रीसेंट एग्जाम्पल क्वेकर ओट्स मिल्क। तो ऐसे में किस तरह का पोटेंशियल दिख रहा है पेप्सिको जैसी कंपनी को देश के डेयरी मार्केट में, और देश के डेयरी मार्केट्स के बिगेस्ट चैलेंजेस का किस तरह से मुकाबला करेगी पेप्सिको इंडिया, जानते हैं पेप्सिको की दीपिका वॉरियर से। दीपिका, वेलकम टू द शो। ज्यादातर डेयरी मार्केट बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के लिए, खासकर हमारे देश का डेयरी मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है बड़े मल्टीनेशनल्स के लिए, तो ऐसे में पेप्सिको ने एक्सपैंड करने के बारे में क्यों सोचा इस मार्केट में? पहले मैं आपको बताती हूँ हमने क्यों सोचा डेयरी में एंटर करना ज़रूरी है और ये टाइम क्यों सही है। तो जो हमारी जो पैकेज बेवरेज कैटेगरी है जिसमें हम प्ले करते हैं, हम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस के साथ प्ले कर रहे थे इसमें, वाटर, रिटेल वाटर, तो इसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है आज वो एक्चुअली पैकेज डेयरी है, वैल्यू एडेड डेयरी जिसको बोलते हैं। वैल्यू एडेड डेयरी और जूसेस हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, तो क्लियरली इन सेगमेंट्स में कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वो इसमें ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो इसमें अगर आप एक बेवरेज प्लेयर हो तो आप डेयरी में ना प्ले करो तो आप एक बहुत बड़े सेगमेंट को इग्नोर कर रहे हो, तो प्ले करना ज़रूरी था। लेकिन जैसे आपने बोला, इसमें अगर हम एंटर करना चाहते थे तो हम वेरी बहुत क्लियर थे कि हम इसमें ऐसे ही सिर्फ तब एंटर करेंगे जब हमारे पास कोई एडवांटेज हो, क्योंकि क्लियरली इसमें जो कंपटीशन है वो हमारे जो लोकल मेगा ब्रांड्स हैं, जैसे कि अमूल हैं, मध डेयरी हैं, जो कि कोऑपरेटिव्स हैं, छोटे नहीं, रीजनल ब्रांड्स हैं जो कि कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका मॉडल ही कुछ, उनके प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, उनका रीच अलग होता है, तो उनका जो मॉडल प्ले करने का मॉडल बहुत अलग है, उनके साथ कंपीट करना उनके टर्म्स पे मुश्किल है। तो हमने कहा जब हम एंटर करेंगे तो हम ऐसे एंटर करेंगे जिसमें हमारा कुछ राइट टू सक्सीड है, जिसमें हम जीत सकते हैं, हम कुछ अलग डिलीवर कर सकते हैं कंज्यूमर के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने बहुत सारा लास्ट 18 मंथ्स 12 इयर्स से काफी काम किया है इस पे कि हम लोग कौन से एक नीश के एंटर कर सकते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू ऐड तो कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट से, जैसे आपने कहा राइट टू सक्सीड, बिकॉज ऑलरेडी डेयरी में बहुत ज्यादा ब्रांड्स है, मौजूद है, कोऑपरेटिव्स है, या फिर गोकुल वगैरह जो ऐसे एक एक पर्टिकुलर रीजन में ब्रांड्स, वैसे टाइप के ब्रांड्स भी है, तो व्हाट इज योर राइट टू सक्सीड, लाइक क्या अलग कर रहे हैं? तो हमने कहा कि जब हम एंटर करेंगे तो फ्लेवर्ड मिल्क में एंटर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है, और एज आई सेड कंज्यूमर्स काफी सेटिस्फाइड है जो लोकल ऑफरिंग्स है फ्लेवर्ड मिल्क में, और ब्रांड्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो हमने कहा हम ऐसी जगह एंटर करते हैं जहां वैल्यू एडिशन कर सकें, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसमें मिल्क की अच्छाइयों में हमने और भी ज्यादा गुण ऐड किए हैं, जैसे कि होल ग्रेन, हाफ अ सर्विंग ऑफ होल ग्रेन, ये जो प्रोडक्ट है इसमें होल ग्रेन और जिसमें हम बोलते हैं फाइबर एडवांटेज, तो ये इसमें ना सिर्फ मिल्क की अच्छाई है जो कि कैल्शियम है, जो मिल्क कैल्शियम प्रोटीन आता है मिल्क, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं मिल्क के थ्रू, पर उसके साथ साथ इसमें फाइबर और होल ग्रेन, इतना फाइबर है जितना एक एवरेज एप्पल में जितना है, तो हम बोल रहे हैं हम किस कैसे मिल्क की अच्छाइयों को और भी अच्छा करें कुछ वैल्यू एडिशन ऐड करके। सो न्यूट्रिशन की आपने आप बात कर रहे हैं, या फिर हेल्दी फूड ऑप्शन की एक बात कर रहे हैं, तो क्वेकर इस ब्रांड नेम के अंडर ही क्यों पेप्सिको ने लॉन्च किया इस प्रोडक्ट को? ट्रॉपिकाना का भी ऑप्शन था आपके पास, व्हाई डिड यू गो विद क्वेकर?
तो दो रीजंस हैं. एक तो यू नो क्वेकर, इफ यू आस्क मी, आई थिंक इंडिया में ज्यादा कंज्यूमर्स क्वेकर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ग्लोबली पेप्सिको के लिए इट्स अ 140 ईयर ओल्ड ब्रांड, यू नो 140 साल पुराने, वन द ओल्डेस्ट ब्रांड्स. जैसे दुनिया में ब्रांड्स होते हैं, वन द ओल्डेस्ट ब्रांड्स हैं, और ये यू नो ग्लोबली ये कई बिलियन डॉलर ब्रांड है. और इसमें अच्छा, ये ब्रांड में अच्छाई ये है कि ये बहुत ही ट्रस्टेड क्रेडिबल ब्रांड है. और इसका जो ग्लोबल जो विजन है वो ये है कि हम बोलते हैं इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कि यू नो वी शुड नेवर लेट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ कम इन द वे ऑफ न्यूट्रिशन. जो जिन्होंने क्वेकर को स्टार्ट किया वो उनका ये बिलीफ था कि यू नो आप इट डजंट मैटर आप किस एज के हो, किस इनकम के हो, लेकिन आपको आपको हक है कि आपको सही न्यूट्रिशन मिले. सो इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड. तो हम चाहते थे कि इस ब्रांड की अच्छाई को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ मैरी करें और लॉन्च करें. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्लान. थैंक यू, थैंक यू. तो ब्रांड बाजार के आज के शो में बस इतना ही. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाजबीबी पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर.